वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट आईडी ट्यूटोरियल में हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं पीएचपी एजेक्स और कैप्चा वैलिडेशन के साथ। इसमें यहाँ पर हम जेक्वेरी का भी यूज करेंगे और बूटस्ट्रैप का भी यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर आता है, विजिटर को कॉन्टैक्ट करने की नीड होती है, तो कॉन्टैक्ट करने के साथ साथ आपकी वेबसाइट पर प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, मतलब कि उसमें रेस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए कि बिना वैलिडेशन के वो डेटा एंटर ना कर सके। मतलब जो भी डेटा जाए वो बिना वैलिडेशन के ना जाए आपके मेल पे। तो स्पैम से बचने के लिए इसमें वैलिडेशन भी है, तो इजीली आप वैलिडेशन भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कितना इजी हो जाएगा आपके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई विजिटर हूँ, आपकी वेबसाइट पर आता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट करने की नीड है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैं सेंड नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ तो डेटा नहीं जाएगा, इसमें डबल वैलिडेशन है। तो एक तो वैलिडेशन होगी कैप्चा वैलिडेशन, और दूसरी वैलिडेशन होगी हमारा डेटा किस तरीके का जाना चाहिए, किस फॉर्मेट का हमारा डेटा जाना चाहिए। मतलब ईमेल में है तो ईमेल फॉर्मेट में जाना चाहिए, नेम है तो नेम फॉर्मेट में जाना चाहिए, उसमें डिजिट बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए, मोबाइल है तो कितने डिजिट तक मोबाइल नंबर जाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ मैसेज है और ये कैप्चा वैलिडेशन है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेंड मैसेज पर, तो उसको ये एजेक्स से मिल गया, एजेक्स रेस्पॉन्स है, एजेक्स से उसको मैसेज मिल गया, प्लीज एंटर फुल नेम 3 कैरेक्टर एटलीस्ट। ये अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम सेट कर पाएंगे आप जब मैं इसका कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा। तो प्लीज एंटर ईमेल 10 डिजिट मोबाइल नंबर, प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी भी आप डाल पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, प्लीज एंटर योर मैसेज एंड प्लीज एंटर कैप्चा। तो कैप्चा कुछ भी मैंने एंटर नहीं किया यहाँ पर, तो मैं कुछ नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, नाम डाल दिया, एक ईमेल आईडी, ठीक है। मैं ईमेल आईडी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और कुछ नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें पूरा का पूरा वैलिडेशन है, तो वैलिडेशन बिल्कुल रखना ही चाहिए आपको, दिस इज अ टेस्ट, ओके। और मैं कुछ भी ऐसे ही डाल देता हूँ, तो स्पैम करना चाह रहा हूँ मैं, कुछ भी डाल के मैंने स्पैम करना सोचा और ये लोड कर रहा है, तो इसमें लोडर भी होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एंटर वैलिड ईमेल आईडी, तो वैलिड ईमेल आईडी डाली अपनी, ठीक है। तो ईमेल आईडी वैलिड डाल देते हैं, ठीक है। स्पैम नहीं कर सकते आप, प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ओके, मैंने 10 डिजिट मोबाइल नंबर भी डाल दिया। फिर यहाँ पर बोला गया मैसेज, ओके, सेंड कर देता हूँ मैं इस पे, ओके। इनवैलिड कैप्चा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा है, और यहाँ पर रिफ्रेश का भी हम क्रिएट करेंगे कि आप रिफ्रेश भी कर सकते हो कैप्चा को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर ये डालना पड़ेगा, तो डाल देते हैं प्रॉपर, तब तक वो सबमिट नहीं होगा, तब तक आपकी मेल आईडी पर नहीं जाएगा मेल, ओके, सेंड नाउ। तो आप देख सकते हैं थैंक यू विशाल राणा, योर मैसेज हैज बीन सेंड, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस मैसेज हमारा यहाँ पर जा चुका है हमारी मेल आईडी पर। तो मेल आईडी भी सेट करने में प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से होगा। तो कितना इजी है और कितना स्मूथ है और सिक्योर्ड है सिस्टम है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ठीक है। तो मैं ईमेल आईडी पर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ईमेल रिसीव होगा ओनर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव रिसीव्ड अ कॉन्टैक्ट मैसेज फ्रॉम टेक्नो स्मार्टर, यहाँ पर एक टाइटल आ गया, उसके बाद किसने कॉन्टैक्ट किया उसका नेम आ जाता है, कि ईमेल आईडी आ जाती है, मोबाइल नंबर आ जाता है, सर्विस कैटेगरी आ जाती है, टेक सपोर्ट और मैसेज आ जाता है, जो भी कंटेंट उसने डाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कम्प्लीटली हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या नीड होगी, सबसे पहले हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की नीड होगी। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बूटस्ट्रैप से क्रिएट करने वाले, जो कि कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव होगा। तो न्यू फाइल सेव कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी, यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्टेक्ट अस टाइटल बूटस्ट्रैप पे आ जाने के बाद जस्ट क्लिक कर देना आपको। अब हमें यहाँ पर सीएसएस की जरूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप की, तो हम सीएसएस ले लेते हैं बूटस्ट्रैप की, जो भी नीड है हमें तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट लिंक, ओके, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से एंड मैं इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। रिलेशन आपको रखना है, उसके बाद ये इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जेक्वेरी की भी नीड होने वाली है, तो जेक्वेरी की भी लिंक मुझे चाहिए होगी, सीडीएन लिंक। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जेक्वेरी सीडीएन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना आपको, मिनीफाइड कॉपी पेस्ट,
इंटीग्रिटी एनोमसी ये आपको रिमूव कर देना है। ओके उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन भी है। तो ये आइकन किस चीज से आएगा? ये फॉन्ट वेशम से आएगा, जो कि मुझे लिंक करनी पड़ेगी। तो एक और लिंक मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉन्ट CDN, फॉन्ट वेश लाइब्रेरी CDN। उसके बाद मुझे कॉपी कर लेना है इसको, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी। उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये URL है, तो इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आपको किस तरीके से करना है, लिंक और यहाँ पर इसको दे देना है जस्ट कट एंड नाउ पेस्ट। इनको चेक करने के लिए आपको विजिट करना है, तो इनको चेक कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो जस्ट फॉर डेमो। ओके सो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया इसको। तो यहाँ पर हेलो और मैं व्यू पेज सोर्स ओपन कर लेता हूँ। इसमें मुझे पता लग जाएगा कि ये लिंक हुई है कि नहीं हुई है जो मैंने लिंक की है। तो बूटस्ट्रैप चेक कर लीजिए आप, ठीक है, प्रॉपर लिंक है बूटस्ट्रैप। फॉन्ट वेशम भी ठीक है। एंड उसके बाद jQuery, ओके jQuery भी हमारी प्रॉपर लिंक हो चुकी है। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पर। फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पास एक प्रॉपर होस्टिंग नहीं है जिस पर आपका मेल जाए, तो आपको एक प्रॉपर होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है, एक पावरफुल होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके द्वारा जब भी कोई विजिटर आएगा आपसे कांटेक्ट करने की उसे नीड होगी, तो कांटेक्ट फॉर्म भरेगा। कांटेक्ट फॉर्म भरने के साथ साथ वो सेंड नाउ बटन पर क्लिक करेगा, वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन करने के बाद आपका जो मेल है आपकी ईमेल आईडी पर प्रॉपर चला जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप सेट करके रखोगे वहां पर, उस पर चला जाएगा। आप कोई भी ईमेल आईडी सेट करके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको एक पावरफुल होस्टिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि क्या रहता है, होस्टिंग में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है। आप कॉन्टेक्ट फॉर्म तो बना लेते हो पर होस्टिंग अच्छी नहीं लेते हो, पावरफुल होस्टिंग, तो बाद में इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला ब्लू होस्ट के बारे में। तो ब्लू होस्ट एक पावरफुल होस्टिंग कंपनी है, जो कि आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करती है। ब्लू होस्ट 2003 से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो नंबर वन ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके द्वारा आप इजीली मेल सेंड कर सकती हैं। तो ब्लू होस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है, CDN कैचे फ्री मिल जाता है, जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। जो फॉर्म आप अभी रन करने वाले, जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यदि आप उसको ब्लू होस्ट के साथ रन करते हो तो वो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है आपको। इसमें आपको फ्री SEO टूल भी मिल जाते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी वेबसाइट का SEO भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल भी मिल जाते हैं, जिसके द्वारा इजीली आपकी ईमेल डिलीवर हो जाते हैं आपके मेल आईडी पर। बाकी मैंने कुछ होस्टिंग ऐसी भी देखी है जो 1 से 2 मिनट लगा देती है, पर ब्लू होस्ट में इंस्टेंट आपको डिलीवरी मिल जाती है ईमेल की आपकी ईमेल आईडी पर। तो इसमें आपको 24/7 हेल्प सपोर्ट भी मिल जाती है। यदि आपको वर्डप्रेस पे भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर भी आपको मिल जाता है। तो यदि आपको होस्टिंग की नीड होती है, तो होस्टिंग की नीड यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेट होस्टिंग, VPS होस्टिंग यहाँ पर मिल जाती है। यदि आपको डोमेन चाहिए, तो डोमेन सेक्शन में जाकर आप डोमेन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इजीली टाइप करके कोई भी डोमेन यहाँ पर ले सकते हैं। होस्टिंग के साथ साथ इसमें SSD स्टोरेज भी मिल जाती है, जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। और SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसके द्वारा आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, वो भी बिल्कुल आपको इसमें फ्री में मिल जाता है। तो ब्लू होस्ट एक ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसे वर्डप्रेस खुद सजेस्ट करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, wordpress.org पे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावरिंग ओवर 2 मिलियन वेबसाइट। तो इतनी वेबसाइट को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है ब्लू होस्ट और कर रही है। तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको एक पावरफुल होस्टिंग की जरूरत होने वाली है, तो ब्लू होस्ट आपको दे सकते। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए वहां पर जाकर सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग ले लीजिए। तो इसके बाद हम क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, किस तरीके से हम एजेक्स के द्वारा और कैप्चा वैलिडेशन के द्वारा क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या कर लिया। यहाँ पर मैंने लिंक्स कर दी है, उसके बाद मैं एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करना इजी है काफी। तो सबसे पहले मुझे एक कंटेनर लेना पड़ेगा, डिव क्लास कंटेनर। बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर होता है और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मिड में लिया है हमने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने मिडिल में लिया है ये फॉर्म, ठीक है। यहाँ से ये कॉलम छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल में ही लेना पड़ेगा, एक रो ले लेते हैं यहाँ पे डिव क्लास रो। तो दोनों तरफ हम क्या छोड़ देते हैं, डिव क्लास कॉल SM2 एंड 2, ठीक है। तो इतना साइज मैं इधर छोड़ दूंगा, उतना साइज उधर छोड़ दूंगा और बीच में ले लूंगा। तो ये तो 4 हो गया, तो 8, ये हो गया कंप्लीट 12। तो यहाँ पे मैंने 2 ये छोड़ दी, 2 ये छोड़ दी, और उसके बाद मैं मिडिल में फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक क्लास और बनाएंगे फॉर्म कंटेनर के बाद, ये क्लास, एक क्लास और बनाएंगे हम CSS में फॉर्म कंटेनर, और इसके अंदर हम अपना फॉर्म लेंगे जो भी है। तो H2 में सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, H2 क्लास टाइटल, ओके। उसके बाद मैं आपको बताया था, जब मैं सेंड नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ एरर्स डिस्प्ले होती है। तो एरर्स किस तरीके से डिस्प्ले होगी, एरर्स होगी हमारे डिस्प्ले ID के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे एक ID लेनी पड़ेगी, ID इज इक्वल टू मैसेज ले लेता हूँ मैं, उसका दे देता हूँ क्लास। उसके बाद एक सक्सेस मैसेज होता है, तो उसके लिए भी हम ID क्रिएट कर लेते हैं। तो ID के थ्रू हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। जब एजेक्स रन होता है, एजेक्स रन होने के बाद सक्सेस मैसेज या एरर हम ID के थ्रू डिस्प्ले करा देते हैं। सो डन। उसके बाद आपने देखा, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, सबमिट हो जाने के बाद वो हाइड हो जाता है। तो हाइड भी किस तरीके से कराते हैं, ID के थ्रू ही कराते हैं। तो उसके बाद आपने देखा है, जब हमारा सेंड नाउ बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा फॉर्म जो है हाइड हो जाता है वहां से। तो फॉर्म हाइड किस तरीके से होगा, फॉर्म को हाइड कराएंगे हम एक ID के द्वारा। तो उस ID में हमें पूरा का पूरा फॉर्म लेना पड़ेगा, जैसे ये ID हो गई, ठीक है, और इसके अंदर हमारा फॉर्म हो गया, तो हमें वो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलो ले लेते हैं यहाँ पर div ID, तो इसका नेम भी हम यहाँ पर दे देंगे हाइड फॉर्म, उसको जस्ट लास्ट में हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे सभी फील्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो div क्लास एक रो बना लेना है, रो div क्लास कोल SM6 लेबल, क्लास होती है लेबल की, लेबल यहाँ पर ले लेना है मुझे नेम, या आप फुल नेम भी ले सकते हैं इसे। और यहाँ पर आपको दे देना है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको प्रॉपर लेना है, जैसे एफ नेम है तो एफ नेम ले लीजिए, इसका मतलब हो गया फुल नेम। तो एजेक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ID के थ्रू डेटा ले जाते हैं, हर एक फील्ड का ID के थ्रू डेटा ले जाते हैं। तो ID आप प्रॉपर दे, तो IDs के लिए मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, जो नेम मैंने सेम लिया है ना, तो वही मैं ले सकता हूँ यहाँ पर ID के लिए, ओके। तो मैंने सेम ले लिया, उसके बाद एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ जो कि वहाँ पे डिस्प्ले होगा प्लेस होल्डर, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर नेम आ चुका है प्रॉपर, ओके, इस तरीके से आ चुका है। इसी तरीके से हमें अदर फील्ड भी ले लेने हैं, तो मैं अदर फील्ड भी ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने अदर फील्ड भी ले लिए, जैसे मैंने नेम लिया था ऐसे ही मैंने ईमेल ले लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे ID ली है ना मैंने ईमेल, तो आपको ईमेल ही लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल नंबर ले लिया मैंने, इस तरीके से मैंने ले लिया सर्विस कैटेगरी लिस्ट ले लिया, उसमें ID दे दी मैंने, कैटेगरी मोबाइल में दे दिया मैंने ID मोबाइल, ठीक है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक मैसेज बॉक्स ले लिया जिसमें हमारा मैसेज टाइप होगा, तो वो टेक्स्ट एरिया में लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया में ले लिया, HTML का नॉर्मल सा फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसकी ID दे दी मैंने मैसेज। तो ID प्रॉपर आपको देनी ही देनी है, बिल्कुल सही ID आपको देनी है, तभी आपके लिए ये काम करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, एक बटन ले लिया और उसको ID क्या दे दी, सेंड नाउ। तो जावास्क्रिप्ट में हमारा क्या होता है, हम ID के थ्रू डेटा ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं jQuery, तो उसमें भी हम ID के थ्रू डेटा ले जाएंगे, और ID के थ्रू डेटा ले जाने के बाद AJAX के थ्रू उसको PHP फाइल पर ट्रांसफर कर देंगे और वो डेटा हम सेंड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, JSON डेटा एनकोड करेंगे। JSON डेटा एनकोड हो जाने के बाद वहां पर चेक करेंगे कि वो फैल रहा तो उसको मैसेज दे दे, यदि सेंड हो जाता तो उसको सक्सेस मैसेज दे दे, बस ये है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, रिलोड, ठीक है, रिलोड कर दिया मैंने यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या नीड होगी, हमारी कैप्चा की नीड होगी और उसके टेक्स्ट बॉक्स की हमें नीड होने वाली है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी CSS क्रिएट कर देता हूँ, उसके लिए आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, ऊपर न्यू फाइल, जस्ट सेव फाइल डॉट CSS। अब
मैंने क्या किया, style.css नेम से एक फाइल क्रिएट की जिसमें हमारी सारी स्टाइल शीट होगी। बॉडी के लिए बैकग्राउंड दे दिया, H2 के लिए अलग दे दिया फॉर्मेट, फॉर्म कंटेनर बना दिया, जो फॉर्म कंटेनर बॉर्डर वगैरह आता है ना वो सब आ जाएगा। इनपुट के लिए इनपुट में बैकग्राउंड में कलर आता है और टेक्स्ट एरिया खत्म। बस छोटी सी CSS है, इजिली आप इसको टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आया आपको। उसके बाद हमें इसको लिंक करानी पड़ेगी, तो लिंक कहाँ पर कराते हैं, तो लिंक करा लेते हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर लिंक करा देता हूँ, लिंक जस्ट आपको लिंक, और यहाँ पर आपको नेम दे देना है style.css। ओके, सेव, रन style.css, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं किया है इसको, सेव कर देना आपको। उसके बाद मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पर फिर से, और देख सकते हैं CSS हमारी आ चुकी है, और रिलोड कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे कैप्चर लेके आना है, तो कैप्चर लेके आते हैं यहाँ पर। कैप्चर लेके आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल एंड सेव। तो कैप्चा में हमारा क्या होता है, एक इमेज होती है उस पर हमारा टैक्स लिखा रहता है, तो वो टैक्स हमें एंटर करना पड़ता है टैक्स बॉक्स में। तो क्रिएट करते हैं, तो कैप्चा इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। क्रिएट करते हैं कैप्चा img.php में सेशन के थ्रू होगा, क्योंकि सेशन के थ्रू हम मैच करेंगे डेटा, तो जो भी कैप्चा का यूनिक कोड होगा वो सेशन के थ्रू जाएगा वहां पर, और उससे हम मैच कर लेंगे। तो सेशन करते हैं क्रिएट, सेशन स्टार्ट, सबसे पहले सेशन स्टार्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक फाइल और क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा फंक्शन होगा कैप्चा का, कैप्चा डॉट पी एच पी एक फाइल होगी अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद $str, अब यहाँ पर मैं रैंडम क्रिएट करने वाला हूँ, रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर, या आप यहाँ पर की भी ले सकते हैं, की अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 5 6, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, तो ये स्ट्रिंग ले लिया। उसके बाद डॉलर सेशन, हमें एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, सेशन में स्टोर करना पड़ेगा इसको, जब भी ये फाइल रिलोड होगी तो इस सेशन में एक यूनिक कोड सेव हो जाएगा, इसी सेशन के द्वारा हम मैच कर लेंगे जो कैप्चा हमने एंटर किया है और जो सेशन से आ रहा है, उनको मैच कर देना है, तब जाके प्रोसेस कराना है बस। और इसका नेम हम दे देते कैप्चा, फंक्शन बनाएंगे हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा वो अभी हम बनाने वाले हैं, एक फंक्शन बनेगा ये कैप्चा $str। एक यहाँ पर हमने क्या किया, एक यूनिक आईडी बनाया, उसको सेशन में स्टोर करा लिया, और उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर जो कि हमें इमेज बनाकर देगा, ठीक है। तो एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल सेव कैप्चा डॉट फंक्शन कैप्चा $string हेडर, हमें कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा किस तरीके का इमेज है ये, तो ये कंटेंट क्या है, इमेज है और JPEG है। उसके बाद $img पाथ, इमेज हमारी किस पाथ पे है, अगर सेम पाथ पे है तो सिर्फ हमें इमेज का नेम दे देना है, अगर किसी फोल्डर में है तो फोल्डर का नेम भी देना है। background.jpg के नेम से हमें एक इमेज लेनी है, png हम नहीं ले सकते, jpg हमें लेनी पड़ेगी, जिस पर हम अपना यूनिक कोड जो है हम क्रिएट कर रहे हैं उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है, उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो इमेज क्रिएट फ्रॉम jpg, ठीक है, इसमें हमें क्या देना होता है, इमेज का पाथ देना होता है। उसके बाद $color, सबसे पहले इमेज देते हैं यहाँ पर $image, और रेड ग्रीन ब्लू, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोड ले लेता हूँ 3 2 3 4 2, तो ये वाइट कलर देगा हमें, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज, उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज ले लिया, उसके बाद मैंने XY ले लिया। इमेज को कहाँ पर रखना है, इमेज को ऊपर रखना है, थोड़ा नीचे रखना है, तो वो थोड़ा सा सेट कर दिया मैंने। तो इमेज स्ट्रिंग जिसमें हमें इमेज देना पड़ता है, फोन साइज देना पड़ता है, XY एंड स्ट्रिंग कलर देने के बाद मैंने इसकी इमेज बना दी। तो रिटर्न क्या करा दिया मैंने, इमेज JPG जो कि कंप्लीट हमारे JPG में नहीं है, उसको रिटर्न करा दिया मैंने इस फंक्शन के द्वारा। और इस फंक्शन को मैंने कहाँ पे यूज किया है, इस फंक्शन को मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्चा MG में मैंने इसको यूज किया है। उसके बाद हमें जो कैप्चा इमेज है इसको लिंक कराना पड़ेगा अपने फॉर्म में, तो फॉर्म में जाते हैं हम, कॉन्टेक्ट फॉर्म, और जैसे इमेज लिंक होती है तो सेम ही होता है यहाँ पर, मैंने लिंक करा दी। यहाँ पर मैंने क्या लिया जो कि मैं आपको बताता रहा हूँ, ये कॉलम ये ले लिया मैंने 2, और एक कॉलम ये ले लिया जस्ट लास्ट में 2, तो दोनों को छोड़ दिया मैंने, उसके बीच मैंने 4 लिया, 4 में मैंने क्या लिया, अब 2 और 2 4, तो ये हो गया, और 4 4 में हम बीच में ले सकते हैं, तभी तो हमारा
12 हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, लेबल ले लिया, लेबल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद स्पैन फ्लोट राइट दे दिया कि वो राइट में दिखे थोड़ा। उसके बाद कैप्चा इमेज जो मैं आपको बता रहा था, IMG SRC आपका HTML है नॉर्मल, कैप्चा IMG.php क्यों लिया है, उसके द्वारा हमारी इमेज क्रिएट हो रही है। उसके बाद एक आईडी दे दी, ठीक है, कैप्चा की आईडी दे दी कि हम रिफ्रेश भी तो कराएंगे यहाँ पर, तो इस आईडी के थ्रू हमें इसको रिफ्रेश कराएंगे। उसके बाद एक आई क्लास FA सिंक नाम से एक फ़ॉन्ट डिवेशन में होता है कि हम इसके द्वारा आइकन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक डॉट रेफरी हमने क्लास है थी ऑन क्लिक रिफ्रेश, एक फंक्शन दे दिया ऑन क्लिक पे, जब भी हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसके नेम ले लिया मैंने कैप्चा वेल, आईडी दे दी मैंने सेम कैप्चा वेल, उसके बाद एंटर। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो इमेज है ना यहाँ पर देख सकते नहीं है, तो हमें एक इमेज लेनी ही पड़ेगी। तो इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। इमेज लेने के लिए आप कोई भी इमेज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड विद लाइंस, तो यहाँ से कोई भी इमेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कोई भी इमेज यहाँ से ले लीजिए। तो ऑलरेडी मैंने एक इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास इमेज है। मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा साइज हो गया। तो इस तरीके का साइज आप क्रिएट कर लीजिए, और इसको मैं कट करके जहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट है वहाँ पर डाल देता हूँ, PHP में जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद चलिए रन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रन करने पर हमारा जो कैप्चा है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कैप्चा भी हमारा क्रिएट हो चुका है प्रॉपर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हम क्या करते हैं एजेक्स के कोड करते हैं। तो आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है यहाँ पर, न्यू फाइल सेव कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट्स डॉट js, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट डॉट js के नेम से आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, जब हम सेंड नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो उस आईडी के थ्रू हमें क्लिक करवाना है। तो आईडी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड मैसेज बटन है, उसकी आईडी है सेंड नाउ। तो इस आईडी के थ्रू ही हम चलेंगे यहाँ पर, जब ये आईडी क्लिक हो। तो आईडी क्लिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पे क्रिएट करते हैं, आईडी के लिए क्या लेते हैं, हमेशा हैश साइन लेते हैं, तो सेंड नाउ। उसके बाद इस पर क्या हो रहा है, क्या इवेंट जा रहा है, इस पर क्लिक जा रहा है, तो डॉट क्लिक दे देना है सिंपल, ठीक है। तो सेम हमने जैसे डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन लिया है यहाँ पर, के बाद ये क्या, और इसको क्लोज कर देना है सेम तरीके से। तो उसके बाद सभी वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी आईडी के थ्रू। तो किस तरीके से लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, वेरिएबल ईमेल डॉलर। तो किस तरीके से लेते हैं आईडी से वैल्यू आपको पता लग जाएगा, पर डॉलर लेते हैं डॉलर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आईडी से ले रहे हैं तो हैश साइन हमेशा लेना पड़ेगा, और ईमेल फील्ड का जो आईडी है वो क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ईमेल फील्ड की आईडी हमने क्या ली थी कि इस फील्ड में कौन सा डेटा आना चाहिए, तो इस फील्ड में ये डेटा आना चाहिए, मतलब ये आईडी से जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ईमेल है, तो आपको ईमेल ही देना पड़ेगा, तो ईमेल दे देना है, ठीक है, ईमेल दे दिया। उसके बाद क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल है हमारे पास एक फंक्शन। तो उसके बाद एक फंक्शन और लेते हैं हम jQuery का, उसका क्या काम होगा, फर्स्ट और लास्ट में जो भी स्पेस है उसको हटा देगा। जैसे PHP में ट्रिम होता है, ऐसे ही jQuery में भी ट्रिम होता ही है, तो ट्रिम दे देना है। इसी के साथ साथ सभी वैल्यू सेम तरीके से लेनी है, जैसे वेरिएबल बना लिया मैंने, उसमें आईडी से वैल्यू आ रही है, वैल और ट्रिम कर देना है। तो सभी वैल्यू ले लेता हूं मैं यहाँ पर, सभी वैल्यू मैंने ले ली, ऐसे ही मैंने FNAME की ले ली, कैटेगरी की ले ली, उसके बाद मोबाइल की ले ली आईडी से, उसके बाद कैप्चा वैलिडेशन की। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किसमें आएगा, टेक्स्ट एरिया में। अगर टेक्स्ट एरिया की वैल्यू आपको लेनी है तो कुछ इस तरीके से लेनी पड़ेगी, वेरिएबल मैसेज, उसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया देना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया का नेम देना पड़ेगा उसके अंदर, और डॉट वैल। उसके बाद हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको ट्रिम कर दीजिए प्रॉपर, ठीक है, अगर नहीं चाहते ट्रिम करना तो ट्रिम मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एजेक्स, इसमें क्या देते हैं, मेथड पोस्ट। एजेक्स का मेनली काम क्या होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होने देता, बैकएंड में रेस्पॉन्स करता है, रेस्पॉन्स करने के साथ साथ जो भी PHP फाइल आपको एग्जीक्यूट करानी है एजेक्स के द्वारा उसको एग्जीक्यूट कर देता है।
और सेम पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता। जो भी फाइल आपको एग्जीक्यूट करानी है पीएचपी को, वो एजेक्स के द्वारा आप करा सकते हैं, एजेक्स के द्वारा उस पर डेटा सेंड कर सकते हो सेम पेज से। ठीक है, तो सेम पेज से हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें पीएचपी फाइल की भी तो जरूरत पड़ेगी जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो पीएचपी फाइल देते हैं यहाँ पे, उसका यूआरएल देते हैं, तो यूआरएल दे दीजिए। तो सेम हम क्रिएट करने वाले कॉन्टैक्ट एक्शन नेम से एक फाइल कॉन्टैक्ट एक्शन डॉट पीएचपी। के बाद डेटा, क्या क्या वैल्यू हमारे यहाँ पर जानी चाहिए, तो डेटा का मतलब वो हो गया। तो डेटा किस तरीके से देते हैं हम, कोलन एजेक्स में कुछ इस तरीके से डेटा हम यहाँ पर देते हैं, जैसे एफ नेम है, ठीक है, उसके बाद कोलन स्पेस एफ नेम, उसके बाद कोमा सेम कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद कोलन फिर कैटेगरी, ठीक है, इसी के साथ साथ सभी वैल्यू हम इसी तरीके से दे देते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने सभी वैल्यू दे दी, मोबाइल ले लिया मैंने सेम, मैसेज ले लिया मैंने, ईमेल ले लिया, उसके बाद एक कैप्चा वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है, कैप्चा से आ रही है जो वैल्यू, और ये लास्ट में हमने क्लोज करके कोमा दे दिया, ठीक है। के बाद कोमा के जस्ट बाद इसमें एक फंक्शन होता है एजेक्स में बिफोर सेंड नेम से, ठीक है, जब हमारा प्रोसेसिंग करता है एजेक्स तब तक वो चलता है और सक्सेस हो जाने का बिफोर सेंड खत्म हो जाता है, वो तब सक्सेस फंक्शन में चला जाता है। तो बिफोर सेंड का फायदा क्या है, बिफोर सेंड में हम क्या कर सकते हैं, एक लोडर शो करा सकते हैं, तो एक लोडर डिस्प्ले करा देते हैं यहाँ पर बिफोर सेंड फंक्शन में, काफी इजी है। बिफोर सेंड कोलन फंक्शन, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बटन है जब हमने क्लिक कर दिया तो उसको हाइड कराना है, तो हाइड करा देते हैं, सब लोडर को डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है, सब लोडर में क्या इमेज आती है वहां पर ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इस बटन को हाइड करा दिया, सेंड नाउ का काम खत्म हो गया, जब हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, उसपे बार बार क्लिक ना करें, तो उसको हाइड करा दिया, सब लोडर हो गया, एक लोडिंग गिफ होगी उसको हमने डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद वो इमेज वहां पर अपेंड कर दी, मतलब उसको HTML से हम डिस्प्ले करा रहे हैं वहां पर। तो अब हमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर लोडर, तो सेंड नाउ बटन के नीचे मैं एक आईडी ले लेता हूँ जहाँ पर हमारा लोडर डिस्प्ले होगा, तो div id इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट में कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो आईडी हमारी ये बनेगी, तो इसको कॉपी कर लेना, आपको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर दे देना है, और ये हो गया डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेंड नाउ बटन तो हाइड हो जाएगा, मतलब बटन हाइड हो जाएगा, उसके बाद सब लोडर शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये लोडर डॉट गिव हाइड दे दी मैंने इसको, ठीक है, ये वहाँ पर चला जाएगा। तो एक लोडर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो लोडर गिव आप यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं, लोडर गिव कोई भी लोडर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो मैंने लोडर ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो मैंने एक लोडर यहाँ पे ले लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके का लोडर है। लोडर गिफ इमेज आपको लेनी है, जो कि नेम हमने सेम लिया है ना, वही नेम सेम आपको देना है, लोडर डॉट गिफ मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक सक्सेस फंक्शन आता है, एजेक्स रिस्पॉन्स के बाद एक सक्सेस फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एक सक्सेस फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया, हम क्या करने वाले हैं, एक पीएचपी फाइल से हम क्या करेंगे, एनकोड करेंगे जेएसएन डेटा। तो जेएसएन हमारा एरे की तरह होता है जिसमें हम एनकोड करके डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स की वैल्यू हम लेके आ सकते हैं, उसको पास करना पड़ता है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जेएसएन डॉट पास डेटा, जो डेटा आ रहा है जो जेएसएन फॉर्मेट आ रही है उसको पास करा लिया, ठीक है। उसके बाद ओबीजी डॉट एरर्स, एरर्स नेम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वहां पे, आप देख सकते हैं, फिर स्टेटस नेम से भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सब लोडर को हाइड कर दिया मैंने, जब सक्सेस हो गया तो सब लोडर को हाइड होना चाहिए, उसके बाद सब लोडर को खत्म कर दिया मैंने, वहां से HTML का डेटा एम्प्टी कर दिया, उसको सेंड नाउ बटन हमारा शो हो जाना चाहिए, वैसे उसकी नीड नहीं है, वहां से फॉर्म ही पूरा पूरा हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन बनाई, स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, अगर सक्सेस हो जाता है हमारा जो स्टेटस है वहां से जेएसएन से हमें सक्सेस मिल जाता है वैल्यू, तो ये क्या करें यहाँ पर, हाइड फॉर्म डॉट हाइड, हमारा फॉर्म को हाइड कर दे। जो आईडी ली है ना मैंने यहाँ पर, ये मैंने आईडी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड फॉर्म मैंने आईडी यहाँ पर ली है, तो ये क्या कर देगा, पूरी फॉर्म को हाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद सक्सेस डॉट HTML, तो ये आईडी के थ्रू मैं मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ, थैंक यू एफ नेम, एफ नेम का मतलब फुल नेम है जिसने भी मेल किया, योर मैसेज
हैज़ बीन सेंड, वी विल कॉन्टैक्ट यू सोन एज पॉसिबल। यहाँ पर आप अपना मैसेज सेट कर सकते हो, जो भी आपको मैसेज शो कराना है सक्सेस हो जाने के बाद। उसके बाद कैप्चर डॉट एट्रीब्यूट एस आर सी कैप्चर डॉट पी एच पी, उसके बाद हमारा कैप चेंज हो जाना चाहिए। अगर कोई एरर आती है तो सेम कैप्चा नहीं रहना चाहिए, कोड चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एरर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है इसी तरीके से। अब हमने एरर कहाँ पे डिस्प्ले कराई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एज मैसेज डॉट एचटीएमएल ऑब्जेक्ट एरर्स, तो यहाँ पे हमने एरर्स अपनी डिस्प्ले कराई है। तो मैसेज नेम से मैंने एक आईडी बनाई हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर सभी एरर्स हमारी डिस्प्ले होंगी। अब हमें क्या क्रिएट करना है, ये फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट एक्शन डॉट पीएचपी के नेम से। तो क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल सेव। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो वैल्यू आ रही है उसमें वैलिडेशन लगानी पड़ेगी और उसको मेल फंक्शन के द्वारा सेंड करना पड़ेगा और एनकोड करना पड़ेगा हमारा जेएसएन सक्सेस मैसेज है कि एरर्स है, एरर्स में एरर्स चल जाएगी। और इसमें दो वेरिएबल होंगे, एरर्स होगा और एक स्टेटस होगा। तो क्रिएट करते हैं सबसे पहले सेशन स्टार्ट, कि हम सेशन के थ्रू वैल्यू लेके आ रहे हैं कैप्चर की, तो हमें सेशन की नीड होगी यहाँ पर। उसके बाद सेम सभी वैल्यू ले लेनी है, जैसे पीएचपी में आप सभी वैल्यू लेते हैं, तो सभी वैल्यू किस तरीके से लेनी है, डॉलर पोस्ट करा रहे हैं तो पोस्ट हमें ले लेना है पोस्ट, और दे देना है एफ नेम। एफ नेम क्यों लिया हमने, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, में हमने एफ नेम लिया है, ऐसे ही कैटेगरी लिया है, ऐसे मोबाइल ले लिया, तो हमें पोस्ट करा रहे हैं, यहाँ पर आपने मेथड लिया है पोस्ट, तो पोस्ट कराया है, तो पी एच पी फाइल पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पोस्ट के थ्रू ही हम वैल्यू हैंडल कर सकते हैं। सभी वैल्यू मैंने ले ली सेम, ये तो नॉर्मल सा पी एच पी का कोड है, एरर इक्वल्स टू एरे। तो एरर क्यों लिया है मैंने, क्यों इनिशलाइज किया है मैंने एरे, क्योंकि मैं सभी एरर जो है एरे में लूंगा, एरे में लेने के बाद मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडेशन करते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सिंपल पीएचपी की वैलिडेशन लगानी है। जैसे मैं एक वैलिडेशन दिखा देता हूँ, एस टी आर लैंड, इसमें हमें कंडीशन लगानी है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो एस टी आर लैंग से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, जो भी उसने टाइप किया उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। या लेस देन थ्री आप कर सकते हैं, तो लेस देन थ्री कर लेते हैं हम यहाँ पर, एंड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं कि इतनी टाइप करनी है आपको लेंथ, डॉलर एरे एरर, और इसमें हम स्टोर करा लेते हैं, तो सभी वैल्यू हम एरे में लेके जाएंगे सभी एरर्स। इस थ्री कैरेक्टर्स आपको डालने ही डालने हैं, ये मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होके आएगा अगर वो थ्री कैरेक्टर्स नहीं डालता है। अदर वैलिडेशन में मैंने कर दी यहाँ पर, जैसे कि मैंने सेम ये की थी तो सेम मैंने यहाँ पे कर दी। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, प्रेग मैच स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, या इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है पर डिजिट ना आए, तो प्रेग मैच इसलिए लिया, उसके लिए मैंने प्रेग मैच ले लिया और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दिया कि सिर्फ इसमें अल्फाबेट जाए डिजिट ना जाए। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपको डालना ही डालना है अगर ये एम्प्टी है। उसके बाद ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने ले ली प्रेग मैच में कि एंटर वैलिड ईमेल आईडी, तो वहाँ पर उसको दे देगा एंटर वैलिड ईमेल आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब है मोबाइल नंबर नॉट इक्वल टू 10, अगर 10 से कम डालता है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, वैसे मोबाइल नंबर 10 ही होता है। प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड। उसके बाद कैटेगरी, प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी। उसके बाद प्लीज एंटर योर मैसेज। उसके बाद कैप्चा, प्लीज एंटर कैप्चा अगर वैलिडेशन नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ पर बता रहा था जो मैं कैप्चा वैलिडेशन किस तरीके से होता है, कंडीशन होती है जब हमारा कैप्चा वैलिडेशन एम्प्टी नहीं है, मतलब उसने कुछ ना कुछ डाला है, तब जाके कंडीशन चले। इसमें क्या हो, सेशन कैप्चा जो हमने सेशन के थ्रू क्रिएट कराया है कैप्चा वैल्यू, और जो कैप्चा वैलिडेशन जो हम एंटर कर रहे हैं, तो वो दोनों मैच होने चाहिए। एक तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा कोड, और जो हम एंटर कर रहे हैं दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, अगर मैच नहीं करते हैं तो ये एरर दे दे इनवैलिड कैप्चा, अगर मैच कर जाते हैं तो प्रॉपर हमारा ईमेल चला जाएगा। उसके बाद हमें सभी एरर को डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा, तो डिस्प्ले कराते हैं फोरिच लूप से। अब हम क्या करते हैं, एक और एरे बना के उसमें फोरिच लूप से उसमें डाल देंगे सभी एरर, और उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। तो किस तरीके से कराना है, किस तरीके से बनेगी हमारी स्ट्रिंग, तो इम्प्लोर्ड फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पर। तो चलो एक और एरे बना लेते हैं यहाँ पर, एक बार डॉलर आई कल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट आइकन भी आया हुआ है, तो अलर्ट आइकन किस तरीके से लेना है हमें, ये हम ले लेते हैं।
आई क्लास, इसके लिए हम क्या देते हैं एफ क्लास। उसके बाद हम क्या करते हैं सभी वैल्यू एरे में स्टोर करा लेते हैं, उसके बाद हम उसको इम्प्लोड कर देंगे। वैल्यू इस एरे में स्टोर हो गई, तो क्योंकि हमें क्या करना था ये अलर्ट आइकन लेना था वहाँ पे, तो इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद इम्प्लोड करा, इम्प्लोड करने के बाद हमने क्या किया डॉलर एरे स्ट्रिंग में हमने इसको इम्प्लोड कराया, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह बन गया, सारी वैल्यू आ गई। br टैग लग के यहाँ पे हमने br टैग दे दिया। उसके बाद एक कंडीशन लगा दी डॉलर एरर नॉट इक्वल टू नल, अगर एरे में एरर है, कुछ एरर है तो लास्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू फेल्ड। एक वेरिएबल बना दिया हमने नॉर्मल सा। उसके बाद एक कंडीशन इफ डॉलर एरर इक्वल्स टू नल, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है, सब वैलिडेशन उसने पास कर ली, तब उसका मेल चला जाए। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल बना लिए जो कि काफ़ी इजी है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नेम दे सकते हो, फ्रॉम नेम, ठीक है, फ्रॉम ईमेल कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का बिजनेस ईमेल दे, कोई जीमेल आईडी आपको नहीं देनी है। उसके बाद टू ईमेल, इसमें आपको क्या देना है, जहाँ पर भी आप सभी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करे वो आपकी इस ईमेल आईडी पे जाना चाहिए। यहाँ पर आप जीमेल आईडी बिल्कुल दे सकते हैं या अदर ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिप्लाई टू, रिप्लाई टू में क्या होगा, जो ईमेल एंटर करेगा यूजर उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए रिप्लाई टू में। उसके बाद मैंने एक मेल फंक्शन का यहाँ पर यूज किया, ठीक है, क्रेडिट्स दे दे, एक वेरिएबल और बना लिया था मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल। उसके बाद हेडर्स ले लिए, सभी हेडर्स मैंने ले लिए जो कि आपको मिल जाती है php.net पे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, रिप्लाई टू, या आप इसको टाइप भी कर सकते हैं इजिली, मेलर php है, प्रियोरिटी ईमेल। उसके बाद एक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आता है ना, यू हैव रिसीव ए कॉन्टैक्ट मैसेज फ्रॉम नेम, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि इस वेरिएबल से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज नेम से वेरिएबल बनाया मैंने, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इस मैसेज वेरिएबल को यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज, अब यहाँ पर देख सकते हैं नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, सर्विस कैटेगरी आ रहा है और मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाने के लिए हमें HTML कोड लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने हेडर में दिया हुआ है HTML कि मेरा टेक्स्ट टाइप क्या है HTML है, तो मैंने नेम लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू ली, उसके बाद br लगा दिया, br का मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद ईमेल ले लिया, उसके बाद मोबाइल नंबर ऐसे ले लिया। उसके बाद मेल फंक्शन में मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म में कराया था नॉर्मल, उसमें टू ईमेल देते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, मैसेज देते हैं, हेडर्स देते हैं और माइनस एफ इसलिए दिया हुआ है ताकि उसमें प्रॉपर होस्टिंग की आपकी आईडी ना दिखे, और फ्रॉम ईमेल देते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल बना लिया मैंने, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये वेरिएबल चलेगा, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो लास्ट इटरेशन में हम क्या सेव करा देंगे फेल्ड, और एरर क्या होगी सर्वर फेल टू सेंड प्लीज ट्राई अगेन। उसके बाद हमें एनकोड कराते देते हैं जेएसएन डे। उसके बाद मैंने एनकोड करा दिया, एनकोड कराने के लिए हमें डॉलर रेस्पॉन्स और ये एक एरे बना लिया, इसमें अभी आप वैल्यू ले सकते हैं अलग अलग, जैसे मैंने एरर्स ले लिया, ये हमारा वेरिएबल हो गया और इसकी वैल्यू होगी, जो भी एरर्स होगी नहीं होगी वो इसमें जाएगी। उसके बाद स्टेटस फेल्ड है तो फेल्ड जाएगी, सक्सेस है तो सक्सेस जाएगी, और हमने वहाँ पर जब आपको मैंने आपको दिखाया था हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई, अगर सक्सेस है तो ये मैसेज यहाँ पर शो करेगा, अगर फेल्ड है तो एरर देगा ही बिल्कुल, वो चलेगा ही नहीं फिर आगे। उसके बाद एको जेएसएन एनकोड, ये डेटा क्या करेगा इसको चेंज कर देगा जेएसएन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेक्स से सभी वैल्यू आई, फिर मैंने वैलिडेशन लगा दी सभी पे, ठीक है, वैलिडेशन अलग अलग तरीके की वैलिडेशन लगा दी, उसको मैच कर लिया मैंने, कैप्चर वैल्यू को मैच कर लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्लास एफ ए वार्निंग दे दिया मैंने यहाँ पर, उसको इम्प्लोड करा लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक मेल फंक्शन लगाया, उसके हेडर्स लगा दिए और ये वेरिएबल बनाए हुए थे मैंने। उसके बाद मेल फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं यहाँ पर, टू ईमेल आता है, सब्जेक्ट आता है, मैसेज आता है, हेडर माइनस एफ और फ्रॉम ईमेल। उसके बाद अगर ये सक्सेस हो जाता है, इफ कंडीशन मैंने दे दी आप, अगर सक्सेस हो जाता है तो लास्ट स्टेटस वेरिएबल बनाया है जो कि हम एनकोड करेंगे जेएसएन में, उसमें सक्सेस दे दिया, अगर फेल्ड हो जाता है तो फेल्ड दे दे। उसके बाद रेस्पॉन्स क्या बनाया, एक एरे बनाया, उसमें अलग अलग वैल्यू ले ली मैंने, एरर्स ले ली जैसे, और उसका स्टेटस ले लिया। उसके बाद हमने उसका कन्वर्ट कर दिया उसको जेएसएन डेटा में, तो इसी के थ्रू एजेक्स वैल्यू लेगा और वहाँ पर डिस्प्ले कराएगा मैसेज सक्सेस और फेल्ड वगैरह। अब हमें एक फंक्शन और लेना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन और लेना पड़ेगा हमें। ओके, कॉन्टैक्ट में जाकर मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कौन सा फंक्शन हमें क्रिएट करना है, रिफ्रेश कैप्चा फंक्शन नेम से हमें क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्रिएट कर देते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट में ही हम। जस्ट लास्ट में मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है यहाँ पर,
फंक्शन रिफ्रेश कैप्चा, कैप्चा ये क्या है, हमारी आईडी है कैप्चा की, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये हमारी आईडी है, तो इसके थ्रू वहां पर चेंज होगा वो। डॉट एट्रीब्यूट एस आर सी इमेज क्या चेंज होने चाहिए, ये तो इस पर क्लिक होगा तो ये बार बार चेंज होगा, और लोड क्या होगी, इमेज होगी, तो वो लोड होती रहेगी और यहाँ पर चेंज होती रहेगी इमेज। अब हमें यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें इसको स्क्रिप्ट को लिंक भी तो कराना पड़ेगा ना कॉन्टैक्ट में, तो लिंक कराते हैं यहाँ पर। तो लिंक कराने के लिए जस्ट सेम तरीका है, कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट डॉट जी एस दे देनी है, जो भी फाइल हमें लिंक करानी है वो दे देनी है, कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद रीलोड, आप देख सकते हैं रीलोड करते ही आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, प्रॉपर हमारे लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है इस तरीके से। और सेंड नाउ बटन में जब मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे लिए प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, तो वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, इसको सेम को ले जाने के बाद आपको सर्वर पर डाल देना है, तो लाइव सर्वर पर ही यूज करें इसको। लाइव सर्वर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, यदि ब्लू होस्ट डॉट इन से आप लेना चाहे तो वहाँ से होस्टिंग एंड डोमेन ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए रखी है, तो मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको। तो मैंने डेमो नेम से उसको अपलोड कर लिया, अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी फोल्डर में या रूट फोल्डर में अपलोड करना है तो वहाँ से अपलोड पर क्लिक कीजिए, ये सर्वर की जिप फाइल बनाइए वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, अपलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए लाइव पे, ठीक है। लाइव पे आपको चेक क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या चेक करना है, कॉन्टैक्ट एक्शन में आपको प्रॉपर तरीके से ये चेक करना है, आपकी जो बिजनेस ईमेल है, जो आपकी वेबसाइट ईमेल है, वही आपको सेम लेनी है। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं कुछ तरीके से, नो रिप्लाई टेक्नोस्मार्टर डॉट, हमारी वेबसाइट का नाम है टेक्नोस्मार्टर डॉट कॉम, तो हमने टेक्नोस्मार्टर लिया, आपकी वेबसाइट का कुछ और हो सकता है, तो आपको सेम अपनी वेबसाइट का लेना है, वरना वो स्पैम में चले जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, डिलीवर भी नहीं होंगे मेल, तो वही सेम वैल्यू सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, ओके नेम एंड 62592, ठीक है, मैसेज हमारा चला गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत हमें रिसीव भी हो चुका है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला मैसेज था और ये हमारा सेकंड वाला हो गया। यदि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर कंप्लीट स्टेप आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्रॉपर जो भी मैंने कंप्लीट कराया यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरीके के ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पर लाता रहूँगा, तो ये एडवांस डेवलपमेंट में आता है एजेक्स के द्वारा। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।